उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर आज फैसला होगा। नई दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी सीटों के लिए भेजे गए पैनल पर चर्चा होगी और उसके बाद उपयुक्त प्रत्याशी पर मुहर लगेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि गुरुवार को पार्टी की पहली सूची आने की उम्मीद है। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसी के तहत बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। भाजपा से 6 साल के लिए बर्खास्त किए गए पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी पर पेंच फंसते जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनकी वापसी को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, वहीं अब कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी हरक की वापसी को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने हरक सिंह रावत की वापसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। चुनावी मौसम में दल बदल की राजनीति से उत्तराखंड की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। पेयजल मंत्री एवं भाजपा नेता बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि हरक के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत पर भी हमला बोला। चौफाल ने कहा कि हरीश रावत डीडीहाट चुनाव लड़ने आए तो स्वागत है, वो अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं, जवाब तो जनता को देना है। भाजपा से निष्कासित पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के लिए बहुत काम किया है, अगर फिर भी पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहेगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से निष्कासन के बाद कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करने पर हरक ने कहा कि मंगलवार को कांग्रेस हाईकमान से बात हुई है और उन्हें ज्वाइनिंग के बारे में जल्दी सूचित किया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव तिथि में बदलाव की मांग उठ रही है। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोग से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति और पलायन को देखते हुए मतदान के लिए रविवार का दिन और मार्च के पहले सप्ताह में तिथि तय करने का आग्रह किया गया है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 6 मार्च का दिन उपयुक्त हो सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के लिए 14 फरवरी का दिन तय किया है। कोविड गाइडलाइन और विधानसभा चुनाव को लेकर लगी धारा 144 और आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन कर राजनीतिक जनसभा आयोजित करने पर मुनस्यारी पुलिस ने धारचूला विधायक हरीश धामी समेत 70 से 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इससे पूर्व पिथौरागढ़ में बैठक करने पर कांग्रेस और थल में जनसभा करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 4482 नए मरीज मिले हैं और 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राजधानी देहरादून में कोरोना के 1648 नए मरीज मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 207, बागेश्वर में 81, चमोली में 202, चंपावत में 104, हरिद्वार में 582, नैनीताल में 644, पौड़ी में 270, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 75, टिहरी में 157, उधम सिंह नगर में 398 और उत्तरकाशी में 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।